सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में कुछ लोगों के एहसास कभी मत भूलना, माँ बाप और गुरु इनको कभी दुख मत देना। जिंदगी और ख्वाब अपने तो इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी अपनी। कोई कुछ भी करके चला जाता है मगर आपके जीवन के चाल को रोक नहीं पाता है, क्योंकि जीवन तो चलता रहता है। इंसान की जैसी सोच होती है वह लोगों को वैसे ही जज करता है। आज का पंचांग 6 जून 2024 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 6:07 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र 8:16 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी वृषभ राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को वट सावित्री व्रत और शनि जयंती की शुभकामनाएं। कुम्भ से 6 जून 2024 दिन गुरुवार, आज जोखिम लेना आपको अच्छे परिणाम देगा। सफलता या अतिरिक्त आय आपका इंतजार भी कर रही है। रिश्तों में चतुर बनिए। पिकनिक क्लब या सोशल सर्कल आपको अपना रचनात्मक पक्ष दिखाने का मौका भी देंगे। अभी आपने जो कनेक्शन बनाया है वो भविष्य में भी आपको लाभ देगा। अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे क्योंकि उन्हें भी आपके स्नेह ध्यान और समय की जरूरत है। ऑफिस के साथ साथ घर के कामों के लिए भी वक्त निकालें। अपने कामों के प्रति जिम्मेदार रहें, इससे आप अपने प्रियजनों का विश्वास जीत पाएंगे। असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर तुम असफल होते हो तभी तुम सीखते हो। आज कोई अप्रत्याशित और काफी दबाव वाला काम मिलेगा, लेकिन आप चिंता न करें, आप आसानी से इसे पूरा कर लेंगे और आपको सबकी प्रशंसा भी मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाएं, या बॉस आपको अंतिम समय पर कोई महत्वपूर्ण काम भी सौंप दे। स्थिति चाहे जो हो आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। दोस्तों से मिले खास तारीफ खुशी का नजरिया बनेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को पेड़ की तरह बना लिया है, जो खुद तड़पती धूप में खड़ा होकर और उसी सहकर भी राहगीरों को छांव देता है। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके माता या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। नानी पोतों से आज काफी खुशी मिल सकती है। कोई आपको प्यार से दूर नहीं कर सकता। इस राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारियों को किसी पुराने निवेश की वजह से आज घाटा होने की संभावना है। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत खास करने वाला है। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधित गतिविधियों में आपके विचारों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल रहेगी। युवाओं को कोई मन मुताबिक कार्य बनने से सुकून मिलेगा। किसी मनोरंजन यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। लोगों के द्वारा आपके व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी ना दिए जाए, इस बात का ध्यान जरूरी होगा। हर एक बात संबंधित अपना व्यक्तिगत दायरा बनाकर रखने की आवश्यकता है, वरना आपके स्वभाव का गलत फायदा उठाकर पैसे संबंधित नुकसान होने की संभावना बन रही है। अनेक बातों को नकार ना दें। पानी की वजह से आपको पछतावा महसूस हो सकता है। खुद की क्षमता को जानकर जिम्मेदारियों का स्वीकार करना आवश्यक होगा। काम संबंधित बढ़ती भाग दौड़ से तनाव रहेगा, लेकिन अपेक्षित या शासिल होगा। पार्टनर और परिवार के साथ चर्चा करके ही अपने जीवन संबंधित निर्णय लेने की कोशिश करें। सेहत अचानक से बिगड़ने की संभावना बन रही है। सावधानियां। अपरिचित लोगों से मेल मुलाकात करते समय अपनी सीक्रेट बातें शेयर ना करें।
ईगो और अति आत्मविश्वास की भावना आपकी कमजोरी भी है, इस पर काबू रखें। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधित योजनाओं को लेकर सचेत रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। आप किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। आपकी इस नए अफेयर्स की शुरुआत काफी ताजगी भरी और अंतरंग होगी। आपका दिमाग काफी मुक्त रहेगा और आप दिखावे से प्रभावित हुए बिना सच्चे संबंध की तलाश में रहेंगे। पिछले समय के कड़वे अनुभव को शुरुआत रुकावट ना बनने दें। अगर आपको डर लग रहा है तो सावधानी से आगे बढ़ें। आप इस समय अचानक आई घरेलू मुसीबतों से ना घबराएं, बल्कि डटकर इनका सामना करें। प्यार में अपनी प्रिय से भी खट्टी मीठी नोकझोंक आपको रोमांचित बनाए रखेगी, साथ ही से आपका रिश्ता भी मुकम्मल होगा। बड़े भाई बहन से काफी दिनों के बाद मुलाकात हो सकती है। आज आप अपने रोजाना के कामों को एक तरफ रखकर अपनी सेहत, परिवार और अन्य मामलों के बारे में सोचेंगे। जिससे आप प्यार करते हैं उनके विश्वास को जीतने के लिए आपको जिम्मेदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता है। रिश्ते में शारीरिक आकर्षण होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि विचारों का मिलना भी जरूरी है। बात करते हैं करियर की। यह समय घरेलू मुसीबतों को लेकर उदास होने का नहीं, बल्कि अपने लक का सही इस्तेमाल करने का है। आज अपने दिमाग की सुने और चेले चपाटे आदि से दूर रहें। रिश्तों में आपके आकर्षण का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है और आने वाले समय में नए संबंधों का भी योग है। आप अपने लक्ष्य के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। एक टीम के रूप में काम करने की आपकी भावना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपना नया नाम और पहचान बनाए ताकि लोग आपका सम्मान करें। अपने कौशल को निखारें, इससे आपको उज्जवल भविष्य बनाने में मदद भी मिलेगी। आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौदे को अंतिम रूप भी दे सकती हैं। उनके साथ एक लंबी अवधि के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ें। ग्राहक वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण है, जिससे कि आपके कार्यालय पर वित्तीय बोझ कम होगा। आपको अगर ग्राहकों से और सौदे लेनी है तो आपको अपने सामान्य ज्ञान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी पारिवारिक सेवा देनी होगी। व्यवसाय संबंधित हर गतिविधि पर अपनी नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लापरवाही से पार्टियां टूट सकती है, जिससे आपके व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। कार्यों की गति अभी मध्यम ही रहेगी, लेकिन धैर्य और संयम से आप इस मुश्किल समय को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में आपसे सामंजस्य को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सही संबंध और साथी योजनाओं में मिलनसारी करने से आप अपने व्यवसाय को मजबूत और स्थिर बना सकते हैं। सुबह का समय अच्छा भी रह सकता है। धन की आवक होगी, मेहमानों का आगमन हो सकता है, कार्य करने में आसानी रहेगी। दोपहर के समय घरेलू उपकरण कष्ट दे सकते हैं, हालांकि परेशानियां भी आ सकती है। व्यापार के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। काम का समय बेहतर रहेगा, उलझने सुलझेगी। बात करते हैं सेहत की। आप आज किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं जिससे बाहर निकलने की हर कोशिश से अभी नाकाम साबित हो रही है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाना या अच्छा खाना खाना भूल ही जाएं। खुद से अपेक्षाएं थोड़ी कम रखें। खुद को असाधारण साबित करने की कोशिश को छोड़कर कुछ बातें ईश्वर पर भी छोड़ दें, परंतु अपने सेहत का देखभाल करते रहें। आज का उपाय, आज आप धार्मिक पुस्तकों का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।